आप सभी लोगों में एक टर्म बड़ा प्रचलित है, एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स, यानी काम करने का एक तय तरीका। पहले सरकारों का एसओपी समझा जाता था कि सरकार कोई प्रोजेक्ट शुरू करती थी, लेकिन वो तैयार कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। राजनीति स्वार्थ के लिए घोषणाएं कर दी जाती थी, वो पूरी कब और कैसे होगी इसको लेकर गंभीरता नहीं होती थी। इस धारणा को हमने कैसे बदला है उसका भी ये भवन एक उदाहरण है। और जैसा अभी बताया गया, आज ये संयोग है कि 22 जून 2018 को इस भवन का शिलान्यास हुआ था और आज 23 जून 2022 लोकार्पण हो रहा है। इस बीच में कोरोना के कारण अनेक अड़चनें भी आई, लेकिन इन सबके बावजूद भी जो संकल्प लिया था वो आज सिद्धि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। यानी ये नए भारत का नया एसओपी है जिसका शिलान्यास होगा उसी दिन उसके उद्घाटन की टाइमलाइन पर ईमानदारी से काम शुरू हो जाता है। यहां दिल्ली में ही बीते सालों में ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। अभी कुछ दिन पहले मुझे प्रगति मैदान के पास इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर के लोकार्पण का अवसर मिला है। सरकार के प्रोजेक्ट्स बरसों तक लटके नहीं, समय पर पूरे हों, सरकार की योजनाएं अपने लक्ष्यों तक पहुंचे, तभी देश के टैक्सपेयर का सम्मान है। और अब तो पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के रूप में हमारे पास एक आधुनिक प्लेटफॉर्म भी है। नए भारत की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस नए वाणिज्य भवन को भी हर संबंधित क्षेत्र में देश को गतिशक्ति देनी है। हम देख रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी संख्या इंजीनियरिंग गुड्स की होती है। इसका एक्सपोर्ट बढ़ाने में विशेषकर एमएसएमई सेक्टर की अहम भूमिका रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे देश के नए नए क्षेत्रों से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। कितने ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से भी अब निर्यात कई गुना बढ़ गया है। कॉटन और हैंडलूम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट 55% तक बढ़ना ये दिखाता है कि ग्रास रूट लेवल पर किस तरह काम हो रहा है। सरकार वोकल फॉर लोकल अभियान, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के जरिए जो स्थानीय उत्पादों पर बल दे रही है उसने भी एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद की है। अब दुनिया के नए नए देशों में, नए नए डेस्टिनेशन में हमारे अनेक प्रोडक्ट्स पहली बार निर्यात किए जा रहे हैं। अब हमारा लोकल सही अर्थ में ग्लोबल बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, सीता भोग मिठाई और नारकेल नारू यानी नारियल और गुड़ से बने लड्डू का पहला कंसाइनमेंट बहरीन एक्सपोर्ट किया गया है। नागालैंड की फ्रेश किंग चिली लंदन के बाजार में जा रही है तो असम के फ्रेश बर्मीज ग्रेप्स दुबई के लिए एक्सपोर्ट किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के हमारे आदिवासी भाई बहनों की वन उपज महुआ फूलों के उत्पाद फ्रांस, तो कारगिल की खुमानी दुबई एक्सपोर्ट हुई है। अरबुआ, बेलाइस, बर्मुडा, ग्रेनाडा और स्विट्जरलैंड जैसे नए बाजारों में हैंडलूम से जुड़े उत्पाद भेजे गए हैं। अपने किसानों, अपने बुनकरों, अपने पारंपरिक उत्पादों को एक्सपोर्ट इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए हम मदद भी दे रहे हैं और जीआई टैगिंग पर भी बल दे रहे हैं। पिछले साल हमने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड डील्स को फाइनलाइज किया है। बाकी देशों के साथ भी बहुत प्रगति हुई है। विदेशों में जो हमारे डिप्लोमेटिक संस्थान है उनकी भी मैं विशेष प्रशंसा करना चाहूंगा। बहुत ही चुनौतीपूर्ण माहौल को
जिस प्रकार वो भारत के लिए अवसरों में बदलने का काम कर रहे हैं, हमारे सारे मिशंस इसके लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। उनके कार्य की सराहना जितनी करें उतनी कम है। साथियों, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए नए बाजारों की पहचान करना और वहां की जरूरतों की पहचान कर उत्पादों का निर्माण करना, ये देश की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। अतीत में हमारे व्यापारियों ने दिखाया है कि म्यूचुअल पार्टनरशिप और ट्रस्ट आधारित व्यापार कैसे फल फूल सकता है। वैल्यू और सप्लाई चेन की इस सीख को हमें आजादी के अमृत काल में सशक्त करना है। ऐसी ही वैल्यूज के आधार पर हमने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड डील्स को पूरा किया है। अनेक देशों और क्षेत्रों के साथ भी तेजी से हम ऐसी डील्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, बीते 8 वर्ष में देश की उपलब्धियां हर भारतीय को गर्व से भर देती है। इसी भावना से काम करते हुए आजादी के इस अमृत काल में आने वाले 25 साल के लिए हमने जो संकल्प लिए हैं, हमें उनके लिए काम करना है। आज नया भवन भी बन गया, नया पोर्टल भी लॉन्च हो गया, लेकिन यहां हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। एक प्रकार से नए संकल्पों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए अचीवमेंट के लिए तेज गति से चलने का काम आरंभ हो रहा है। मैं हर डिपार्टमेंट से भी आग्रह करूंगा कि अभी तक जो पोर्टल और जो प्लेटफॉर्म्स हमने बनाए हैं, उनकी परफॉर्मेंस का समय समय पर आकलन होना चाहिए। जिन लक्ष्यों के साथ हमने ये टूल्स विकसित किए हैं, वो कितने पूरे हो पा रहे हैं, और अगर कहीं समस्या है तो उसका समाधान हो, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। मेरा इंडस्ट्री के साथियों से, निर्यातकों से भी आग्रह है कि आप खुल करके अपनी बात सरकार के सामने रखें, इनोवेटिव सुझाव लेकर के आए, सॉल्यूशंस लेकर के आए। हम मिलकर के समाधान खोजना चाहते हैं। आप निर्यातक पोर्टल पर जाएं और बताएं कि इसमें क्या जोड़ा जा सकता है, क्या हटाया जा सकता है, जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या प्रावधान किए जा सकते हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्दी कंपटीशन एक्सपोर्ट की दुनिया में लानी है। हमारे मैन्युफैक्चरर के बीच में भी जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग, ये कंपटीशन हमको लानी है। मैं चाहूंगा कि सबके इनपुट से, सभी के सुझावों से, यानी सबका प्रयास से ही हम अपने विराट संकल्पों को सिद्ध कर सकते हैं।